You can't tell me what you do. Oh, these brothers my guys. Know that we fly. Know that the ride or die. Why do wanna move like that? तो फाइनली गाइस गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? हिंदी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और आज का ब्लॉग भी शुरू हो चुका है और कल का ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैं गुड नाइट नहीं बोल पाई। जितना था मतलब 14-15 मिनट का था, तो मैंने आप लोगों के संग शेयर किया। और ज़्यादा लंबा था वो भी, मैंने थोड़ी थोड़ी समझ नहीं आता जब इतना अच्छा कुछ फंक्शन हो तो कौन कौन सी क्लिप डाले, कौन कौन सी नहीं डाले, समझ में नहीं आता कि तो ठीक से बैठ जाओ। सो इसके लिए मेरे को समझ नहीं आया था, तो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट से जो मुझे लगा था कि आप लोग को दिखानी चाहिए तो वो मैंने दिखाए। और अभी सुबह का बज चुका है 11 और मैं उठ के नहा धो चुकी हूँ। अब बस फटाफट से गणपति बाबा की आरती करते हैं, उसके बाद बाकी का आज गणपति बाबा का है दूसरा दिन और कल है तीसरा दिन, तो कल हम लोग का विसर्जन होएगा। तो आज हम लोग इनका पूजा आरती करते हैं, उसके बाद आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। और इधर रेडी हो गई किट्टू, भी नहा धो के रेडी होगी। नहा लिया? हाँ, ये बुद्धू वॉक करने जाएगी अभी सुबह। और ये मेरी अखंड ज्योत तो जल रही है, बस अभी मैं फटाफट से भगवान जी की आरती कर रेडी करूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली गाइस, हमारी आरती हो चुकी है। मो नमा मंगल मूर्ति मोरिया, गण गणपते नमो नमा, श्री सिद्धि विनायक नमो नमा, अष्ट विनायक नमो नमा, गणपति मूर्ति मोरिया, गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमः, मंगल मूर्ति मोरिया। गाइस फाइनली हो चुके हैं, हमारी पूजा वूजा सब कुछ डन हो गया है और अभी मैं किट्टू को खाना खिला रही हूँ। तो ये है मेरी किट्टू और ये है खाना। आज इसको बनाना मिला है और वो भी मिल्क के संग। मैं इसको मॉर्निंग में बनाना और मिल्क, पहले दूध पिलाती हूँ फिर बनाना और मिल्क देती हूँ, उसके बाद मैं इसके पराठा या खिचड़ी जो भी देनी होती है फिर मैं उसको दाल चावल भी वो देती हूँ। सो अभी मैं इसे खिलाती हूँ ये, और उसके बाद देखते क्या करते हैं। आज तो कुछ ऐसा खास प्रोग्राम नहीं है, पर कल विसर्जन है तो कल बहुत सारा काम होगा। गाइस हो चुकी है शाम, बज चुका है शाम का 6 बज चुका है और मैं बस जस्ट अभी सो के उठी। और मैंने उठते एक्चुअली किट्टू को खाना खिलाया, उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कल भी नीचे सुखमणि था, तो नीचे किट्टू का फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन भी था, तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और साथ में सुखमणि भी था साथ वालों के यहाँ, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसके लिए कुछ ज़्यादा वो नहीं कर पाई, तो बहुत ज़्यादा थकी थी। तो आज सुबह भी जल्दी उठ के पूजा करके, तो आज मैं बस 3-4 घंटे दोपहर में भी सो रही हूँ। तो बस अभी शाम हुई है, अभी हम लोग नहा धो के फिर पूजा वूजा करेंगे। और मैंने बस जस्ट अभी उठ के किट्टू को लिए पॉपकॉर्न बनाए और गन्नू भैया को मैंने चाय पिलाया और मैंने भी चाय पिया, मज़ेदार थी। मैंने खुद ब्लैक टी पिया, गन्नू भैया को वो वाइट वाली चाय पिलाया। और ये किट्टू को दे, ये किट्टू के लिए मैंने पॉपकॉर्न बनाया। क्या करी बेटी? मानी के लिए रख रही है पॉपकॉर्न, ये अपने दोस्त के लिए पॉपकॉर्न रख रही है अपने अपने हिस्से में से निकाल निकाल के। और बस यहाँ भजन चल रहे हैं, वहाँ मेरे गन्नू भैया बैठे, उनको मैंने अभी चाय वाय पिलाई है सी। तो बस ऐसे करते कि अभी फटाफट से, अभी मेरा एक क्लाइंट आई है तो बस उनका फेशियल निपटाने के बाद फिर हम अपना काम निपटाएंगे, फिर हम लोग नहा धो के फिर पूजा करेंगे, आरती करेंगे। और आज नीचे भी जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नीचे गेम्स वगैरह है। आज कल फेस्टिवल्स कॉम्पिटिशन था, डांस कॉम्पिटिशन था, तो आज करेंगे उसका, आज शायद हाउसी गेम है नीचे खेलेंगे, सो वो भी थोड़ा थोड़ा कैप्चर करेंगे, जितना कैप्चर होगा आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो हमारे संग लाइन पे बने रहिए। हो चुका है हमारी पूजा का टाइम, मैं नहा धो ली हूँ, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। गए आवाज़ तेज़ होगी क्योंकि मेरे को चिल्ला के बोलना पड़ा, क्योंकि चल रहे भगवान के भजन और मैं बंद नहीं कर सकती सी। भजन चल रहे हैं और यहाँ पे हो चुकी है पूजा की तैयारी। बस अब मैं आरती करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते।
फाइनली हो चुकी है हमारी पूजा वूजा डन। एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरे को पूजा करते ही नीचे जाना पड़ा था, और जैसे नहीं मैंने दिखाया था नीचे दो जगह विसर्जन है, हमारी बिल्डिंग के ही है, दोनों ही हमारी बिल्डिंग के, दोनों डेढ़ दिन के रखे थे, आज इनका विसर्जन है। तो अभी वो विसर्जन हो रहा था, तो विसर्जन के लिए ले जा रहे थे, तो दोनों के तरह ढोल वोल सब बज रहा था, तो मैं वहाँ कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि बहुत क्राउड हो रहा था। पर मैंने आप लोग के लिए कैप्चर जरूर किया कि आप लोग भी देखो कि हमारी सोसाइटी में कितने अच्छे से गणपति बनाते हैं। सीरियसली गाइस, बहुत अच्छे से बनाते हैं गणपति। और नीचे का था इसलिए मैंने तक कैप्चर कर लिया, क्योंकि मैं बस मुझे कुछ सामान लेना जल्दी नीचे जाना पड़ा, तो देखा विसर्जन भी था, तो सब लोग फिर जानने वाले, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें मत्था टेक के जाओ, तो मैंने मत्था भी टेक लिया इसी बहाने, और थोड़ा कैप्चर भी कर पाई कितना अच्छा, कितना क्राउड हो रहा है, बहुत ही हल्ला हो रहा है, मेरा गला खराब हो गया। चलो गाइस, और भी दिखाते हैं बीच बीच में कि अभी तो मैं सोच रही हूँ कि पहले भगवान जी के लिए भोग लगाना है, जो भी हम खाते हैं उसी का भोग लगाते हैं। सो अभी मैं पूछती हूँ कि क्या बनेगा गन्नू भैया से, आज क्या खाने का मूड है उनका। और कल तो मैंने क्या बताया, कल मैं उनका 56 भोग का भोग बनाऊंगी, और कोशिश करूंगी कि जितना हो सके उतना घर का ही खाना बनाऊं, बाहर से कम यूज करूं, और बाकी देख लें, लेट्स सी। गाइस, सो फाइनली हो चुका है हमारा काम, हम सब कुछ कम्प्लीटली हुआ है, और अभी रात का बज गया 11:30, और अब मैं सोची कि चलो अभी इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते। और जैसे कि किट्टू ने खाना खा लिया था, और गन्नू भैया को भी मैंने खाने का भोग लगाया था, मैंने बनाया था राइस और आलू डाल के, बस अब गणपति बाबा का भी भोग लग गया है, और अभी किट्टू का भी, किट्टू ने भी भोग लगा लिया है, मैंने भी भोग लगा लिया, तो सोचा इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं गाइस। सो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के संग, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ वक़्त, शुभ माता दी, लव यू। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना प्यार दीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। बाय बाय।